ट्विटर के जमाने में कौन कब कैसे ट्रेंड में आ जाए पता ही नहीं चलता। हेलो एवरीवन, दिस इज मी नेहा एंड यू आर वॉचिंग गूगल बॉलीवुड। कभी सेलिब्रिटी तो कभी नेता, और अब सोमवार को बॉलीवुड के म्यूजिशियन अमान मलिक भी अचानक से ट्रोल होने लगे, और बाद में पता चला कि ये जंग तो सलमान खान और शाहरुख खान के फैंस के बीच छिड़ी थी, जिसमें अमान मलिक को जबरन घसीटा जा रहा है। दरअसल अमान के एक पुराने वीडियो को लेकर ये जंग छिड़ी, जिसमें अमान ने ये कहा है कि वो शाहरुख खान के फैन हैं। बस इसी को लेकर सलमान खान के फैंस उन पर भड़क पड़े। इसी बात को लेकर सलमान के फैंस ने अमान को बहुत ज्यादा ट्रोल कर दिया। जी हाँ, कितनों को तो अमान ने जवाब भी दिया। आपको बता दें कि ट्रोलर्स का ये कहना है कि सलमान खान ने अमान मलिक को लॉन्च किया, तो वो शाहरुख खान के फैन कैसे हो सकते हैं। अमान ने सलमान के फैंस को जवाब भी दिया। अमान ने उनका जवाब कुछ इस तरह दिया है कि आज दुनिया को दिख गया है कि बाइकअप्स की क्या औकात है। मेरे इतने कहने पर कि शाहरुख मेरे फेवरेट एक्टर हैं और ये सब पागल हो गए। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि सलमान सर ने मुझे लॉन्च किया है, बट इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उनके फैंस की बकवास सुनूं। इसी पर आगे अमान ने कहा कि मैं सलमान सर की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उनके फैंस मुझे और मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं। इसी पर आगे अमान कहते हैं कि सबकी अपनी पसंद होती है, मेरी भी अपनी पसंद है। साथ ही उन्होंने लिखा कि बाइकअप्स मेरे ट्वीट को रिपोर्ट कर रहे हैं और अपने डिलीट कर रहे हैं। उम्मीद है कि लोग इससे कुछ समझ पाएंगे कि आप लोगों को उनकी पसंद बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। अपनी अपनी पसंद है और मेरी अपनी कितनी बार लिखना पड़ेगा पता नहीं। पैच साथ ही उन्होंने कहा कि लगता है ये लोग थकते नहीं इतने इंसल्ट होने के बावजूद भी। साथ ही आपको बता दें कि अमान मलिक डब्बू मलिक के बेटे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अमान मलिक ने अपने करियर की शुरुआत जय हो मूवी से शुरू की थी, इसमें उनका एक गाना आया था। इसी के साथ बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए गूगल बॉलीवुड।